बाइसाइकिल रेस। धरवानी नाम के गांव में कर्माकर नाम का एक युवक रहता था। वो साइकिल चलाने में माहिर था। साइकिल के सीट के ऊपर खड़े होकर करतब करना, हाथ छोड़कर साइकिल चलाना, आंखों में पट्टी बांधकर साइकिल चलाना, उल्टा बैठकर साइकिल चलाना, ऐसे कई करतब करते हुए वो साइकिल पर जाया करता था। इसी तरह दीवार पर साइकिल चलाना, घरों के छत के ऊपर साइकिल चलाना, ऐसे हरकत करता रहता था। उसके गांव में साइकिल रेस की प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता था। कर्माकर उसमें भाग लेता था और सबसे तेज साइकिल चलाता था। इसीलिए हर बार पहला इनाम उसे ही मिलता था। इससे उसे घमंड होने लगा। एक दिन बाबू नाम का एक युवक नया साइकिल खरीदकर कॉलेज साइकिल लेकर आया। उसे देखकर कर्माकर, क्यों बाबू, नया साइकिल खरीदा है क्या? अरे कौन से कंपनी का है, कितने का है? हाँ यार, मेरे पिताजी ने कहा था कि यदि मैं एग्जाम्स फर्स्ट क्लास में पास हुआ तो वो मुझे एक नया साइकिल खरीद कर देंगे, इसीलिए खरीद कर दिया है यार। पर तुम जैसे वेस्ट फेलोस को नया साइकिल की क्या जरूरत है? जब रेस में भाग लेना ही नहीं है तो नया साइकिल किस काम का? अरे कोई सेकंड हैंड साइकिल खरीद सकते थे यार। मुझे तेरे जैसे रेस करने की आदत नहीं है और ना ही मुझे शौक है। नया साइकिल सिर्फ रेस के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है यार। अब मुझे छोड़ दो यार। अरे ऐसे लाचारे की बात क्यों करते हो? नया साइकिल तो खरीद लिया पर तुम में ना दम है ना हिम्मत, इसीलिए डरपोक की तरह ऐसे तुम बातें कर रहे हो। यार देखो, मुझे ना उकसाओ, ज्यादा भड़काओगे तो ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। अरे तुम क्या उखाड़ लोगे, तुम में दम और हिम्मत हो, अगर तुम मर्द हो तो कल मेरे साथ रेस लगाओ और जीतो। तुम जीत गए तो मैं फिर कभी जिंदगी में साइकिल नहीं चलाऊंगा, पर तुम हार गए तो इस साइकिल को उठाकर ले जाकर तालाब में फेंकना होगा। लगी शर्त? बाबू जोश में आकर, मैं तैयार हूँ, देखते हैं कि तुम कैसे जीतते हो। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुआ। बाबू सबसे आगे तेजी से जाने लगा। तभी कर्माकर बाबू के आगे निकल गया और वो विजयी रेखा को पार कर गया। कर्माकर को पहला इनाम मिला। बाद में बाबू ने अपने साइकिल को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। देखा, मुझसे पंगा लोगे तो क्या होता है? नया साइकिल खरीदने से हीरो नहीं बन सकते, उससे मुकाबला जीतोगे तो ही हीरो बनोगे। स्टूपिड फेलो, जाओ जाकर कोई सेकंड हैंड साइकिल खरीद लो और उसे चलाओ, वही तुम्हारे लिए ठीक है। ये बात सुनकर बाबू को गुस्सा आया और उसने तय किया कि इसे सबक सिखाकर ही रहेगा। एक दिन गांव में कर्माकर, माय डियर विलेजर्स, मैं अब साइकिल पर एक नया करतब दिखाने वाला हूँ। वो देखिए, उस रैंप से इस रैंप पर साइकिल के साथ छलांग लगाऊंगा। इन दोनों रैंप के बीच में कुछ लोग लेट सकते हैं, मैं उन्हें कोई हानि ना पहुंचाते हुए उनके ऊपर से साइकिल को ले जाऊंगा। आइए निडर होकर यहाँ लेट जाइए, कहकर आवाज देने लगा। बाबू ने यह सब सुना, तब उसे एक उपाय सूझा। कुछ लोग उसके कहे अनुसार ही आकर लेट गए। वहाँ एक पहलवान से कर्माकर, दादा तुम आकर लेट गए तो ये मैं शो शुरू कर सकता हूँ, आकर लेट जाओ दादा प्लीज। ना भैया, अब मुझे छोड़ दो, मैं नहीं आऊंगा, किसी और को देख लो। अरे इतने बड़े पहलवान हो, तुम डरोगे तो कैसे चलेगा दादा? अरे मेरा विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कहकर जबरदस्ती उसे खींच कर ले आया। यूं पहलवान भी वहां लेट गया। बाद में कर्माकर तेजी से साइकिल चलाता हुआ आने लगा। बाबू एक बैलून पकड़कर खड़ा था। कर्माकर रैंप पर चढ़कर साइकिल के साथ तेजी से हवा में उछला। ठीक उसी समय बाबू ने ठप करके गुब्बारा फोड़ा। बस उस आवाज से घबरा कर कर्माकर का संतुलन बिगड़ा और वो सीधा जाकर पहलवान पर गिरा। अरे मर गया रे, हे भगवान मर गया, कहकर चटपटाता हुआ वो चिल्लाने लगा। बाद में पहलवान उठकर कर्माकर को पकड़कर, क्यों रे, अरे मेरे मरा करने पर भी मुझे तुमने जबरदस्ती लिटाया,
अब तेरे वजह से मेरी कमर टूट गई है कमीने, कहकर उसे मुक्के पर मुक्का बरसाने लगा। तब से कर्माकर ने यूं कर्तव्य दिखाना छोड़कर साधारण रूप से साइकिल चलाता हुआ जीवन गुजारने लगा। जायंट व्हील कार। माधवपुर नाम के गांव में शुभम नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे हमेशा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम शामिल करवाने की खूब इच्छा थी। उसके कारण वो बहुत सारे विचित्र काम किया करता था, जैसे कि उल्टा चलना, हाथों के बल पर चलना, एक घर से दूसरे घर पर कूदना, ऐसे खूब किया करता था। एक दिन वो जब एक कुएं की दीवार पर खड़ा हुआ था, एक दूसरा आदमी वीडियो कैमरा पकड़ा हुआ था। रे, कुएं के इस दीवार पर 36 घंटे कूदते रहने से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। पहले एक आदमी 35 घंटे कूदा, आखिर में उसी कुएं में गिरकर मर गया। तुम अच्छे से वीडियो निकालना। 1, 2, 3 स्टार्ट, कहते हुए कूदने लगा। इस तरह कुछ देर कूदने के बाद कुएं के उस पार गिर गया। वो शायद कुएं में गिर गया होगा सोचकर वीडियो निकालने वाला बचाओ बचाओ यूं चिल्लाने लगा। तब सारे लोग भागते हुए आए, सब कुएं में झांककर देखते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। इतने में कुएं के उस पार गिरा शुभम भी उठकर कुएं में झांककर बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। उसे देखकर एक रे, ये क्या, तुम कुएं में नहीं गिरे और तुम क्यों भला बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हो? क्यों, मैं कुएं में नहीं गिरा तो बहुत दुखी हो गए? मुझे लगा कोई गिर गया होगा कुएं में, इसलिए चिल्ला रहा था। छी, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या रे? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दाखिल होने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास करने वाले जैसे तू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जरूर दाखिल हो जाएगा। हाँ, बोलते रहो, एक दिन जब मुझे रिकॉर्ड मिल जाएगा तब बताऊंगा तुम लोगों को। एक दिन एक भिखारी भैया दान दे यूं भीख मांग रहा था। रे बूढ़े, तुम्हारा कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है भाई, सब छोड़कर चले गए। तो जो भीख में मिलता है वो काफी होता है क्या? कब से मांग रहे हो? 10 साल से भीख मांग रहा हूँ बेटा, कभी कभी काफी हो जाता है। जिस दिन कम पड़ जाता है तो खाली पेट सो जाता हूँ। वैसे आप कोई मदद करने वाले हो क्या बाबू? ये भीख मांगने वाले लोगों का क्या ये देश और लोग परवाह नहीं करते? इसका क्या कोई अंत नहीं है क्या? अब सरकार और संगठन कहाँ गए? सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बाकी इस देश के सारे भिखारियों के लिए मैं साइकिल पर हिमालय तक साइकिल यात्रा पर जाऊंगा। यही एक रिकॉर्ड बनेगा। श्रीमान, आप साइकिल पर जाओगे तो उससे मेरी भूख कैसे मिटेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हें वो सब नहीं समझ आएगा, जाओ जाकर भीख मांगो, कहते हुए निकल गया। फिर वो साइकिल पर शुरू हो गया। अगले दिन गांव में उसे देखकर एक क्यों रे, साइकिल यात्रा पर जाने वाले थे ना, क्या हुआ? निकलते ही साइकिल पंचर हो गया रे, और तो और पता चला कि वो रिकॉर्ड ऑलरेडी कोई किया हुआ है, तो अब करके क्या फायदा, सोचकर रुक गया। ये सुनकर वो अपना सर पकड़ लिया। एक दिन शुभम, मेरे प्रिय गांव वालों, मैं एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला हूँ। रस्सी पर एक इंसान को चलते हुए तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन कार को चलते हुए क्या आपने कभी देखा है? इसलिए हमारे गांव के तालाब के ऊपर लगे हुए रस्सी पर मैं कार में जाऊंगा, तब गिनीज रिकॉर्ड मुझे ही मिलेगा। इस तरह फिर वो अपने कार को बड़े बड़े व्हील्स लगाया। बिना टायर्स के बड़े बड़े व्हील्स लगे कार को जाते हुए देखकर गांव वाले हैरान होकर देखने लगे। जैसे वो गांव वाले देख रहे थे, वो कार रस्सी पर चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद, क्यों रे गांव वालों, बस अब कुछ दूर जाऊंगा तो उस तरफ पहुंच जाऊंगा, तब रिकॉर्ड बन जाएगा। तुम सब ने मुझे क्या क्या कहा था कि मैं किसी के लायक भी नहीं हूँ, अब देखो बेवकूफ लोग। कही रहा था कि वो रस्सी टूट गई, कार पानी में गिर गई। तैरना नहीं जानने वाला शुभम पानी में डूबते डूबते बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा। तब भिखारी तुरंत पानी में कूदकर उसे बचाया। देखो बेटा, हम जो भी काम करते हैं उसका एक अर्थ और परमार्थ होना चाहिए। भिखारी की कोई मदद करना चाहो तो उन्हें कुछ भीख दे दो, ना कि कोई साइकिल यात्रा पर जाओ।
अभी इन सबको इतना सुनाया कि तुम्हें बचाने तक कोई आगे नहीं आया। कम से कम अब से किसी के काम आने वाला काम करो। चार लोगों का भला करोगे तो उसी में भलाई है, वो गिनीज रिकॉर्ड से भी महान होगा। उस दिन से शुभम गांव में सबकी मदद करके अच्छा नाम कमाया।